कमी करती है। तो सो प्लीज उसकी फैमिली जो है वो इस चीज को समझे, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के ऊपर बहुत विश्वास है। तो माय चैनल डिंपल व्लॉग्स, तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बात जो शेयर करना चाहती हूँ, उससे पहले जल्दी से आप लोग लाइक कर दो। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि डिंपल दीदी, आप तो पहले पुतन की साइड ले रही थी, अब जो ननू की साइड ले रही हो। तो मैंने किसी की कोई साइड नहीं ली, लेकिन पुतन मेरी पहली पसंद थी, जहाँ है जहाँ थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसलिए मैं पुत्तन को पहले से जानती थी। पुत्तन के साथ ही तो बाकी चेहरे हम लोगों के सामने आए, जाने की मेरे सामने आए हैं। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। लेकिन जो नन्नों की साइड की बात आप कह रहे हो, तो मैं साइड किसी की नहीं ले रही, साइड जो है वो सच की साइड ले रही हूँ मैं, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे एक लंबा चौड़ा सा कमेंट आया, जिसको मैं रिप्लाई भी दे रही थी। उनका जो पूछना था, मैं उसके बारे में उनको बता भी रही थी। लेकिन रंजना कौशिक, थैंक यू एक तो सबसे पहले कि आपने मुझे बताया कि ये डिंपल दीदी इन कुड़ी है जिसको आप रिप्लाई दे रहे हो। सबसे पहले तो मैं रंजना कौशिक का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे बताया कि डिंपल जी जे इन कुड़ी है जो फेक आईडी से आई आप लोगों से बातें कर रही है। तो मैंने, चलिए उन्होंने बोला तो मैंने वो चीज़ मानी या देखी। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग भी हाउसवाइफ हैं, हम लोग भी अपने घरों में बिजी होती हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा टाइम लग गया उसको देखने में। तो उसके बाद जो है कमेंट में वही जो कहा गया कि इन कुड़ी है ये, तो उसका कहना था कि अब ये मुझे ब्लॉक कर देगी, लेकिन मैं आईडी बदल के फिर से आऊँगी, क्योंकि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। ये एक औरत को, एक लड़की को डिफेम कर रही है, जानी कि मैं, जानी कि बाकी और चैनल भी जो हैं वो डिफेम कर रहे हैं एक लड़की को। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैडम जी, सॉरी, उनको बताने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि रंजना कौशिक, सॉरी, आप लोगों, आप भी साथ ही में ब्लॉक हो गई हो, मैंने ब्लॉक तो किया था। तो सो प्लीज आप भी अपनी आईडी चेंज करके आ सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जितने व्यूअर्स जो हैं वो एक कमेंट के बीच में जो रिप्लाई देते हैं, अगर हम लोग, वैसे तो मैं किसी को ब्लॉक करना पसंद नहीं करती, अगर मैं उनको प्यार से रिप्लाई दे रही थी, लेकिन वो आगे से बहुत अग्रेसिव हो रही थी, तो फाइनली मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि डीफेम कोई किसी को नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है, ये चीजें आप लोग खुद ही अपने घरों की बाहर लेके आए हो, जहां पर तो मैंने कल इन कुड़ी की भी साइड ले ली थी। अब उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो कि जिसमें मैंने बोला था कि इन कुड़ी जो है इस टाइम पे अपनी जो इमेज है उसने साफ कर ली है, उसने वो चीजें जो है सबके सामने लेके आई हैं, कि जैसा कि पहले तो मतलब इन कुड़ी का ये कहना था कि मेरी ये बिल्कुल बात नहीं मान रही है, ठीक है, नहीं यकीन आता। तो किसी का कोई न्यू चैनल है, मुझे उस चैनल का नाम नहीं याद आ रहा क्या है उस चैनल का नाम, लेकिन बहुत सारी शॉर्ट वीडियो हैं उसके ऊपर जो कि सिर्फ और सिर्फ सच ही दिखा रही हैं, जो कि इनके मुंह से निकला हुआ सच है, ठीक है। बेशक बाद में उस लाइव में बहुत सारे कट लग गए थे, तो लेकिन जो सच है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पता भी होगा उस चीज़ का। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिक्वेस्ट है, किसी भी चैनल को आप लोग ना प्रमोट किया करें, ठीक है, ना मेरे चैनल को प्रमोट करें, ना किसी के चैनल को आप लोग प्रमोट करें, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। नहीं तो जहाँ पर वो सेना दबी हुई है एहसानों के तले, मैं दबना नहीं चाहती, ठीक है जी। तो चलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इन कुड़ी ने भी ये चीज़ अपनी रियलाइज़ करी है, और ये चीज़ अपनी ही खुद की वीडियो में बोली है कि मेरी बहन ही मेरा नहीं सुन रही है, मेरी बात नहीं मान रही है। तो क्या इन कुड़ी भी डिफेम कर रही है? मतलब ये हो गया कि सब लोग जो हैं मिलके इनकी खुद की फैमिली ही गलत साबित करने के लिए इस टाइम पे वीडियो में बता रही हैं कि वही लड़की गलत है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो है उसकी लाइफ के आधार पर, अपने वाइट फैमिली के कमेंट सेक्शन के आधार पर, सजेशन के आधार पर मेरी वीडियोस जो हैं वो आई थी। लेकिन अभी जो मैंने सच के लिए जो वीडियो बोली है, ये मुझसे ज़्यादा वो भी जानती हैं कि ये सच तो कुछ लोगों में हुआ था, ठीक है। वो चीज़ें हम चैनल्स वालों के पास कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं कि फैमिली जब खुद ही सब चीज़ें सबको बता रही हैं, तो किसी को किसी से पूछने करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ ब्लेम करना रिएक्शन चैनल वालों को बंद किया जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके घर का, घर की जो आग है उसका सेक हम तक भी पहुंच रहा है, हम लोग भी टेंशन में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के चैनल जो हैं वो नहीं चाहते किसी का भी घर टूटे, ठीक है। तो जहाँ पर मैं बताना और समझाना चाहती हूँ, पुत्तन के लिए बोलना चाहती हूँ कि यही कि पहले भी बोला है, अभी भी बोलती हूँ, प्लीज़ उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा इंसान, अच्छे कपड़े पहनता है, सब कुछ करता है, ठीक है, लेकिन उसका डिप्रेशन किसी
को नजर नहीं आता, तो वाकई में वो डिप्रेशन में है। वो एक्चुअली पहले डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आई थी, ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली का सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही सही नहीं है, उसको वाकई में एक काउंसलर की जरूरत है, ठीक है। तो हो सकता है वो बातों से सब सही चीज़ें हो जाएं, लेकिन रिश्ता अगर एक बार टूट गया है, उस चीज़ को इन कुड़ी का कहना है कि मौका देना चाहिए इनको, ठीक है। एक मौका तो इन्होंने दिया एक दूसरे को, लेकिन वो मौका फिर से नहीं बन पाया, तो बार बार आप अपनी बहन को उस चीज़ में उस जगह पे मत धकेलो, ठीक है। बार बार आप वही चीज़ कर रही हो कि एक मौका देना चाहिए, बड़ों को बीच में बैठ के ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर बार बार जब वो परिवार बुरा है, नन्नू की फैमिली बहुत बुरी है, तो फिर अपनी बहन जो आप कहते हो बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपकी फैमिली, तो उसमें क्यों धकेल रहे हो। तो जहां पर मैं नन्नू फैमिली को भी कहना चाहती हूँ कि चीजें तो बहुत सारी हैं, चीजें बहुत सारी पता भी हैं, और चीजें ये भी हैं कि आंखों से अंधा और दिमाग से भी अन्ना, ये चीज़ें पुत्र ने भी बोली है। तो ये चीज़ें किसने कही थी, ये पुत्र ने नहीं बोली, ये मैं बताती हूँ कि पुत्र के शिष्य लोगों ने अपने भाई को बोली थी। इसलिए बोली थी कि जब पुत्र की सास जो है वो घर छोड़ के चली गई थी, तो ये चीज़ें उसने बोला था कि तुम अपनी बीवी के पीछे लग के ये चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन ये कहना कि बहुत इनोसेंट है, मैंने चार उसके गुण गिनाए थे, लेकिन चार अभी उसके माइनस पॉइंट भी गिना रही हूँ जहाँ पर पुत्र के सिसिल लो के, तो कहीं ना कहीं वो ही गलत है जो अपने भाई का घर बसने नहीं दे रही है। तो ये चीज़ें जो है, मुझे पता बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग नहीं बताना चाहते, हमें ज़रूरत भी क्या है यार, ठीक है। वाईटी फैमिली के पे वाईटी पे जब वो सब चीज़ें खुद ही लेके आप लोगों के सामने आए हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग लेके आए, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिसिन लोग की, तो मैं मुद्दे से नहीं हटना चाहती, तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए सिसिन लोग का जब शादी हो जाती है भाई की, तो उसके ऊपर अधिकार उतना ही है कि भाई बहन का रिश्ता, भाई के घर आप आ रही हो और आप अपने मायके में आके इधर से उधर की बात ना करो तो वही अच्छा है, लेकिन अपनी भाभी के सामने अपने भाई को अलूल जलूल बोलना, कंट्रोल बोलना, ये सब चीज़ें बोलना, तो वो भी तो गलत है ना, कि भाभी को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, तो ठीक है ना, पुतन को नहीं लगी, पुतन भी तो भाभी है, बहन है किसी की, सब चीज़ें हैं ना। लेकिन अब जो है बारी आती है नन्नू की, तुम्हारा जो है बेटर हाफ है, वो पहले तुमने उसका स्टैंड लिया ऐसा, अब देखिए यहाँ पर ये मत कहना कि मैं ये बोल रही हूँ, तो खुद पुत्र ने भी ये चीज़ बोली है, तो जी हाँ नन्नू ने भी ये चीज़ बोली है कि स्टैंड वो लेता था जहाँ उसने लिया है, तो जब तक के लिए तो मेरी वाइफ भी बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने स्टैंड कभी अपने घर वालों के साइड का लिया है, तो उसको हमेशा से ही हताश होना पड़ा है, अपनी बीवी की, अपनी वाइफ की, अपनी बीवी की नज़रों से वो गिरा है, ठीक है। तो इधर वो अपनी माँ की नज़रों से भी गिरा है, ना वो माँ का है ना वो बीवी का है, तो ये बात आती है, बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो कि दोनों को उनकी जगह पर नहीं रख पाते हैं, एक सेम सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो इसमें जो गलती है वो नन्नू की भी है। नन्नू की अगर 50% कहें तो 50% पुत्तन की भी है, क्योंकि अगर किसी से एक बार गलती हो गई है, वो हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, ठीक है, वो नेक्स्ट वैसी गलती नहीं करता है। तो जैसा कि सब लोगों ने बोला कि एक मौका जो है पुत्तन ने मतलब नन्नू ने उसको क्यों दिया, अगर ये सब बातें हुई थी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक मौका दिया था, लेकिन ईगो यहाँ पर नन्नू की भी बड़ी हो गई थी। आप लोगों ने देखा कमेंट सेक्शन में ही इनकी लड़ाई हुई है, और उसके बाद अपने व्यूअर्स के ऊपर ठीकरा फोड़ना और ये थप्पड़ लगाना कि आप लोगों की वजह से ये सब होता है, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ व्यूअर्स को भी, सो प्लीज़ आप लोग भी सोच समझ कर कमेंट किया करो कि आप लोगों की वजह से भी दूसरों की लाइफ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि पुत्र ने भी कहा था कि नन्नू जो है वो तो कमेंट्स जो है वो देखकर ही जीता है, ठीक है, लेकिन जहां पर ये बात आती है कि इन कुड़ी ने कभी अपने इन लॉज को डिफेम नहीं किया, इन लॉज को कभी भी ऐसे सोशल मीडिया पर उनकी इज्जत नहीं उछाली है, तो यहां पर तो थोड़ा इन कुड़ी भी ठीक लग रही है, ये सब आपके सामने है, लेकिन इन कुड़ी का ही अपनी ही एक वीडियो में ये दिखाना कि उसकी मदर इन लॉ बोल रही है कि ये दोनों लड़की, अरे ये दोनों लड़कियां तो बहुत चालाक है, ये इन कुड़ी का भी दिखाना, तो मतलब आप देखो, चलो जो भी है, फिलहाल तो ये कोशिश इन कुड़ी की तरफ से हो रही है कि ये लोगों का फिर से पैचअप हो जाए, लेकिन
अब ये है कि CST में वो 15 दिन के लिए क्यों गई थी, तो जहाँ पर अब क्या कहें, तो यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ननु जो है तुम भी लाइव आकर जो है सबके सामने बोल दो, क्योंकि ननु का भी कहीं ना कहीं कहना है कि मैं तो YouTube नहीं छोड़ूंगा, मतलब सारी लड़ाई ही जो है वो YouTube की है, ठीक है। और इन कुड़ी का कहना, जहाँ फिर बहुत सारे लोगों का कहना कि वो पर्दाफाश करके रहेंगे कि मैं जो हूँ ए बी यानी कि अमन की रिश्तेदार हूँ, तो प्लीज़ वो चीज़ें गलत है, ठीक है। मैं किसी की भी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं भी वैसी हूँ जैसे बाकी चैनल वाले हैं, सो प्लीज ऐसे किसी को ना बोले, किसी को बीच में ना लेके आए, क्योंकि हम उनकी तो कभी कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इसलिए ना बोला जाए ऐसा, ठीक है। क्योंकि मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल्ली से हूँ वो दिल्ली से है तो जी हम मिलते जुलते हैं, क्योंकि दिल्ली कोई छोटा सा गांव नहीं है जहाँ पे बात हुई और बात फैल गई, दिल्ली बहुत बड़ी है और यहाँ पे सब लोग जो है ना बहुत ही क्रिएटिव हैं, बिजी रहते हैं अपने में, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई किसी को मिलने जाए या बातें करने जाए, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मोटिविटी है हमारी दाढ़ी मूछ वाली, तो यहाँ पर ये है कि ये नहीं कि वो आए और आके सडनली, मेरी अभी मॉर्निंग वाली वीडियो की मैं बात कर रही हूँ कि वो आए और आके उन्होंने ठुकाई करनी शुरू कर दी, कुछ तो नन्नू फैमिली की ओर से भी हुआ होगा, या फिर वो उनके सामने अब्यूज किया गया होगा उन्हीं की लड़की को, ठीक है। तो कोई भी फैमिली वाला ये सब चीजें नहीं, मतलब आप लोगों को पता है कि सह पाता या कैसे, तो सडनली प्रोटेक्शन में या फिर कैसे वो उनके भी हाथ उठे हैं, जो भी हुआ है, तो ये सब बातें जो हैं फैमिलीज खुद ही लेके आई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये बातें क्लियर कर दी हैं, तो आई होप मेरा ये वीडियो ना लास्ट ही होगा, तो ऐसे वाला मतलब डिप्रेशन से वाला, मुझे ये डिप्रेशन डिप्रेशन से मुझे खुद भी लगने लग गई है, तो मैं चाहती हूँ कि हंसी ठटाके वाला खुशहाल वीडियो हमारे आए, तो बड़े मस्ती वाले आए, ठीक है। तो ये चीजें थी। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि जैसा कि खुद पुत्र ने कहा था कि वो अपने बेटे को जब तक वो नहीं चाहता वीडियोस में आना, 4-5 साल की उम्र में उसने बोला था कि वो आएगा, जब तक कि मैं लेके नहीं आऊंगी वीडियोस में उसको, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा जो है अभी वो कैमरा फेस करे, ठीक है। और आप लोगों को भी पता है कि बच्चा छोटा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चा तो फिर से आने लग गया वीडियोस में, तो यही चीजें हैं ना, तो आप अपनी बात पे रह पाते हो या कैसे। और लास्ट में मैं जाते जाते ये भी आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए इन लोगों का ही कहना कि ये हम लोगों को फेक वीडियो दिखाते हैं, मतलब वीडियो के लिए आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, मेरे को, मेरी वाइट फैमिली को, सबको। फाइनली हम लोगों ने, इवन मैंने, मेरे साथ बहुत सारी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ब्लेसिंग के लिए भी वीडियो बनाई थी, और पुत्तन को तो मैंने एक मैसेज भी दिया था कि पुत्तन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे वीडियो आने चाहिए, तुम्हारे बेटे के साथ आने चाहिए, जो पिछली बार जैसा हुआ था उस टाइम पे। लेकिन फिर कुछ लोगों का सामने से आना और बताना कि नहीं एक्चुअल तो ये फेस है, तो वो कहीं ना कहीं दिल टूट गया था कि एक वीडियो के लिए आप लोग सिर्फ अच्छे बनते थे। तो चलिए ये बात नहीं है, बात अभी ये है कि अब लड़की के हक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी लड़की के हक में आप नहीं बोलते, और औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो मुझे समझ नहीं आती, अगर एक आदमी भी रिएक्शन चैनल जिसके चल रहे हैं तो वो आदमी आदमी का दुश्मन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इफेक्ट जो है एक्चुअली वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो जहाँ तो फिर अपनी बातें ना लेके आए सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो यही वो बातें हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए इस टाइम पे पुत्तन को अपनी फैमिली के साथ की जरूरत के साथ साथ उसको एक काउंसलर की जरूरत है, और उसको एक अच्छी डाइट की जरूरत है, जैसा कि उसने बोला वो खाना भी नहीं खा रही है, तो उसकी शक्ल आप लोगों ने देखी भी है, तो प्लीज आप लोग अच्छे कमेंट करें उसको, पॉजिटिव कमेंट करें, तो होप आई होप कि वो जल्दी से रिकवर कर जाए, जल्दी से उभर जाए इन सब चीजों से, क्योंकि आप लोगों को ही मैंने ही बताया था कि वो कभी अपने दिमाग का यूज़ नहीं करती है, कमी करती है, तो सो प्लीज़ उसकी फैमिली जो है वो इस चीज़ को समझे, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के ऊपर बहुत विश्वास है। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, तो मिलती हूँ कल एक अच्छी से वीडियो के साथ, आई होप बहुत ही अच्छा वीडियो हो, ठीक है जी, तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।